मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि चैप्टर नंबर 12 पानी अमृत है, इसमें मैंने बताया था कि प्रकृति के पांच तत्व हैं और जो राजस्थानी दंपति की जो स्टोरी थी कि रेगिस्तान में वो पानी के बिना कैसे उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर हमने आगे देखा कि पानी की जो इम्पोर्टेंस है, पानी कहाँ कहाँ हमारे कौन कौन से कार्यों में यूज होता है, जैसे कि नित्य क्रम यानी कि सुबह से लेके रात तक हमारे जैसे ब्रश करना, स्नान करना, फिर वॉशरूम के, फिर रसोई घर में, तो सब जगह पानी का, घर की साफ सफाई में पानी का बहुत ही यूज होता है। अगर हमारे घर में 4-5 घंटे के लिए पानी बंद हो जाता है तो हमें कितनी मुसीबत होती है, यानी कि कितनी कठिनाई आती है, तो सारा हमने आगे लेसन में देखा था। आपको भी पता होगा कि विदाउट वाटर यानी कि पानी के बिना हम हमारा सारे काम रुक जाते हैं, हम एक भी काम हमारे नहीं कर पाते हैं। तो आगे हम देखते हैं लेसन कि पानी जीवन का आवश्यक तत्व है। तत्व यानी कि पदार्थ, आवश्यक यानी कि जरूरी। तो हम शब्द अर्थ लिखिए, पानी जीवन का जरूरी पदार्थ है, जरूरी आवश्यक तत्व है। मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे, जितने भी जीवधारा प्राणी है, सबके लिए पानी आवश्यक है। तुम किसी गमले को उठाकर कमरे में रख लो, 4 दिन तक उसमें पानी न डालो तो पौधा मुरझा जाएगा। तुम्हें 2-4 घंटे पानी न मिले तो तुम कितने व्याकुल हो जाते हो। व्याकुल का मतलब क्या होता है कि बेचैन। तो यहाँ क्या किया है कि पानी खूब खूब जरूरी है। किसके लिए? तो मनुष्य, पशु, पक्षी, सारे जीवधारी पक्षी जो प्राणी है, सारे जीवधारी, उन सबके लिए पानी बहुत ही जरूरी है कि पानी सबके लिए आवश्यक है। कि तुम किसी गमले को उठाकर, यानी कि पौधे की बात की, कि गमला है, उसके अंदर एक पौधा उगाया है, उसको हम कमरे के अंदर, रूम के अंदर रख दे और रूम पैक कर दे, उसको पानी ना दे 4-5 दिन तक, तो क्या होगा? तो जो पौधा है वो मुरझा जाएगा, यानी कि वो मर जाएगा, पौधा सूख जाएगा। उसी तरह हमें भी 4-5 घंटे तक अगर पानी ना मिले, हमें बहुत ही प्यास लगी। अगर समर सीजन में आप बाहर घूमे, अभी विंटर में तो आपको ज्यादा पानी नहीं चाहिए, पर समर सीजन में बहुत गर्मी होती है, धूप होती है, और धूप में आप खेलकर घर आओगे, बहुत प्यास लगी है और आपको पानी ना मिले 4-5 घंटे तक, तो आप कैसे बेचैन, व्याकुल हो जाओगे। क्लासरूम में भी आप देखते हो कि पानी के लिए कितनी बार परमिशन आप मांगते हो, अगर आप नहीं मना करते तो आपको चैन नहीं होता है, बेचैन हो जाते हो, आपके ध्यान वही रहता है कि मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो उसी तरह पानी बहुत ही आवश्यक पदार्थ है। पानी से ही धरती नरम और उपजाऊ बनती है। कि पानी से ही धरती नरम और उपजाऊ, उपजाऊ का मतलब होता है फर्टाइल, कि जो पैदावार देने वाली, उपजाऊ का मतलब पैदावार देने वाली, यानी कि जिसको बोलते हैं कटाई, नरम यानी कि सॉफ्ट, जो पानी होता है उससे ही धरती जो पहले सूख जाती है गर्मी में, आपने देखा ही होगा कि ऐसे लाइन हो जाती है, धरती सूख जाती है, तो उसके अंदर कुछ भी उगा नहीं सकते, पर उसके ऊपर अगर पानी डालते हैं तो वो सॉफ्ट बनती है और फर्टाइल हो जाती है, यानी कि कोई भी जो क्रॉप से उगाने लायक हो जाती है। किसान भी वर्षा के बाद ही उसमें हल चलाकर खेती कर पाता है, सूख जाती है धरती, तो किसान जो होते हैं फार्मर, वो भी जब बारिश होती है तब वो जो जमीन होती है वो सॉफ्ट बनती है, तभी वो उसके अंदर हल चलाकर खेती कर पाते हैं। पौधों को बड़ा करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि जरूरी होता है पौधों को बड़ा करने के लिए। अगर पौधा आप उगाओ, उसमें
पानी ना डालो तो पौधा बड़ा नहीं होता, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनको भी पानी की जरूरत होती है। पहले भारतीय किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग सभी बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए। कि पहले भारतीय किसान की पहले की बात की है, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब हमारे जो किसान थे, फार्मर्स थे, वो पूरी तरह जो खेती करते थे वो किस पर डिपेंड करते थे? वर्षा पर, यानी कि बारिश के ऊपर। अगर बारिश होती थी तो वो लोग खेती कर पाते थे, अगर पानी नहीं होता था तो मतलब सूखा जाता था पूरा, यार वो कुछ भी नहीं उगाते थे। तो पर जब स्वतंत्रता के बाद, यानी कि हमें स्वतंत्रता मिल गई, उसके बाद से किसान सभी नदियों पर बांध बनाए गए, यानी कि जो डैम बोलते हैं वो बनाए गए, बांध बनाए गए। बाढ़ के रूप में विनाश लीला मचाने वाले पानी को इन बांधों में रोककर निर्माण कार्यों में लगाया जाता है। विनाश लीला का मतलब है नष्ट करना। और निर्माण का मतलब होगा रचना। कि सभी बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए बाढ़ के रूप में। बाढ़ यानी कि जब क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है तब ये जो रिवर्स होती है ओवरफ्लो हो जाती है और सारी जगह खेत में घर में सब जगह पानी पानी हो जाते हैं। विनाश मिला यानी कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, सारे खेत की जो फर्टाइल जो लैंड होती है वो भी खराब हो जाती है और घर में भी पानी यानी कि सबके जान माल को बहुत ही नुकसान होता है। तो ये जो विनाश लीला नष्ट करने की जो मचाने वाली पानी थी, तो अब क्या कर दिया है, इन बांधों में रोक कर नदी जो रिवर होती है उसके ऊपर डैम बना दिए। तो जो बाढ़ आती है तो वो पानी कहाँ जाता है, डैम के अंदर चला जाता है। तो ऐसे निर्माण कार्यों में लगाया जाता है इस तरह कि जो डैम में पानी होता है वो भर जाता है और उनको सिंचाई के लिए भी यूज कर सकते हैं। पानी को ऊंचाई से गिराकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। वो आपने देखा होगा कि वाटर एनर्जी कैसे करते हैं, कि पानी को दूध के रूप में ऊंचाई से ऐसे नीचे गिराते हैं, फिर नीचे ऐसे यंत्र चलाकर उसमें से वाटर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जब सरदार वो पटेल डैम है, वहां हमने देखा होगा कि पिकनिक में गए हो या आप घर से भी किसी के साथ गए हो तो वहां इस तरह से वाटर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे उत्पादन किया जाता है। नहरें निकालकर पानी के बहाव की दिशा मोड़ दी जाती है। कि नहरें निकालकर जो हम कैनाल देखते हैं, यहाँ हम आगे गांधीनगर साइड जाते हैं वहां भी आपने कैनाल देखी होगी और अलग 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 जगह पे ऐसे कैनाल होती है। तो क्या करते हैं, नदियों के जो पानी होता है उनको मोड़, जहाँ पानी कम मिलता है, जहाँ पानी की अछत होती है, वहां क्या करते हैं, ऐसी कैनाल निकाल कर वहां उस जगहों पर पानी दिया जाता है। तो दिशा मोड़ दी जाती है, उन स्थानों पर पानी उपलब्ध करवाया जाता है जहां इसका घोर अभाव है। उपलब्ध यानी कि प्राप्त। कि कैसे करते हैं, कि जो नदियां हो वो नदी एक ही दिशा में जाती है, तो क्या करते हैं कि नदी जहां से पास होती है उन सब के आसपास के गांव वालों को पानी मिल जाता है, पर जो नदी जिस नदी के दूर से जो गांव है उनको पानी नहीं मिलते हैं। तो वहां क्या करते हैं, इस नदियों के पानी होता है उनको मोड़ लेते हैं, उनकी दिशा बदल देते हैं और वहां से वो कैनाल निकालते हैं और कैनाल से जहां पानी की घोर अछत यानी कि अभाव, जहां बिल्कुल भी पानी नहीं है, वहां इन सबको पानी पहुंचाया जाता है। जैसे सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकालकर राजस्थान की मरुभूमि को पानी दिया गया। राजस्थान में बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो क्या किया है, जहां पानी बिल्कुल कम है, रेगिस्तान है, वहां जो सतलुज नदी है वो रिवर का नेम है सतलुज, तो सतलुज नदी में से इंदिरा गांधी नहर निकालकर, जो कैनाल का नाम है इंदिरा गांधी, तो जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो निकालकर राजस्थान की मरुभूमि यानी कि रेगिस्तान को पानी पहुंचा गया। अब राजस्थान में भी लोग खेती कर पाते, पहले बिल्कुल भी पानी नहीं था, वो सिर्फ बारिश पर ही डिपेंड करते थे,
अभी इस तरह जो नदी से कैनाल निकाली है उस कैनाल से उन सबको पानी मिल रहा है और वहां के जो लोग हैं वो खेती कर पाते हैं और उन्हें पीने का पानी मिल जाता है। पानी में जीवन लेने की शक्ति है, यद्यपि प्रकृति ने पानी के अक्षय भंडार हमें दिए हैं फिर भी शुद्ध पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। कि पानी जीवन देने की शक्ति है, पानी से हमें जीवन मिलता है, पर क्या होता है कि प्रकृति ने हमें अक्षय भंडार, अक्षय यानी कि जो नष्ट न हो उसे कहते हैं अक्षय। भगवान ने हमें पानी तो दिया है पृथ्वी पर, थर्ड अपन फोर्थ पार्ट पानी है, यानी कि तीन भाग में पानी है, एक ही भाग में जमीन है, इतना सारा पानी तो है, पर जो यूज करने लायक जो पीने का पानी है वो पानी बहुत ही कम है, वो ज्यादा पानी नहीं दिया है, क्योंकि पानी तो है पर कैसा है, सॉल्टी खारा पानी है जो हम पी नहीं सकते है, तो हमें जो पीने लायक पानी है उनकी मात्रा बहुत ही कम है। हमारे घरों के नलों में जो पानी आता है वह शुद्ध किया होता है, उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कि हमारे घर के अंदर जो पानी आता है टैप से नल से, वो पानी कैसे आता है, शुद्ध करके, जो दूषित पानी होता है उनको शुद्ध करके फिर आता है, तो उसे हमें व्यर्थ यानी कि खराब नहीं करना चाहिए। जैसे हम स्नान करने जाते हैं तो टैप खुला छोड़ देते हैं, बर्तन घिसते हैं तो पानी वेस्ट करते हैं, कपड़े धोने, तो हमें जितना पानी चाहिए उतना ही हमें यूज करना चाहिए, जब जरूरत ना हो तो हमें टैप बंद करना चाहिए। पानी को प्रदूषित होने से बचाना भी हमारा कर्तव्य, पानी जितना बचाना चाहिए उतना जो वेस्ट होता है खराब होता है उनको भी खराब नहीं करना चाहिए, बचाना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है। गाँव में अभी भी जिस कुएं से पीने का पानी लिया जाता है उसी कुएं के आसपास मल मूत्र त्याग में कपड़े आदि धोने का कार्य भी किया जाता है। ऐसा करने से कुएं का पानी दूषित हो जाता है, दूषित पानी पीने से हैजा टाइफोइड आदि रोग होने की संभावना बनी रहती है। क्या होता है कि गांव में हम देखें कि जिस कुएं से वो लोग पानी निकालते हैं उसी कुएं के आसपास वो लोग एनिमल्स को नहलाते हैं या फिर मलमूत्र त्यागते हैं और कपड़े धोते हैं, बर्तन घिसते हैं, तो ये सारा पानी जो होता है वो प्रदूषित होता है, दूषित होता है, और ऐसे पानी जो कुएं के पानी निकालते हैं वो पीने लायक होता है, तो ये सारा गंदा पानी वापस कहाँ जाता है, वही जगह पर ये सब कुछ होता है, तो इससे पानी प्रदूषित होता है। नदियों में भी हम देखते हैं जिस गांव से नदी पास होती है वहां भी वो एनिमल्स को नहलाते हैं, भी कपड़े धोते हैं, तो इससे पानी प्रदूषित पॉल्यूटेड होता है। तो ऐसे पानी जो पॉल्यूटेड पानी है उनको पीने से हैजा टाइफोइड आदि तरह के डिसीज होते हैं हमें। पानी जीवन का सहारा है, जीवित रहने के लिए जल का सुलभ होना अनिवार्य है, यानी कि पानी होना हमारे जीवन में जरूरी है, इसीलिए प्राचीन सभ्यताओं का विकास किसी न किसी नदी के किनारे हुआ। जो प्राचीन सभ्यताओं यानी कि जो पहले आदि मानव लोग थे वो कहाँ रहते थे, जहाँ पानी उनको मिलते थे तो वो रिवर बैंक के पास ही रहते थे, जिससे उनको आसानी से पानी मिल सके। खेती बाड़ी परिवहन उद्योग सबके लिए पानी की आवश्यकता होती है, खेती यानी कि फार्म के अंदर, फिर परिवहन और उद्योग यानी कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है उनमें भी उनको पानी की बहुत ही जरूरत होती है, इसीलिए हमें पानी रूपी संपदा को हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। संपदा यानी कि संपत्ति, इसीलिए जो पानी की जो संपत्ति है खजाना है उनको हमें सुरक्षित रहना चाहिए, जितना जरूर हो उतना ही यूज करना चाहिए। जहाँ भी स्थान मिले पेड़ पौधे लगाए, वर्षा के होने में वन उपवन सहायक होते हैं, कि जहाँ हमें जगह मिले वहां हमें क्या करते रहना चाहिए, पेड़ पौधे उगाते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे से बारिश होती है और बारिश होती है तो हमें पानी जो यूज होने वाला पानी है वो आसानी से मिल सके, उनसे इस दिशा में बहुत सहायता मिल सकती है। यानी कि पेड़ पौधे लगाने से पानी मिलता है, पानी से हमें पानी हमारी सहायता यानी कि पानी हमें मदद रूप में आता है। तो यहाँ हमने देखा कि इस लेसन के अंदर पानी कितना जरूरी है जीवन के लिए, पानी के कौन कौन से उपयोग है और पानी हमें किस तरह बचाना चाहिए और जो पानी है वो प्रदूषित नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी जगह पर पानी का यूज होता है, तो इसी तरह पानी
बहुत ही कीमती है, प्रीशियस है, इसीलिए पानी को क्या कहा गया है, अमृत, अमृत समान है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।